जय श्री कृष्णा। कल के अध्याय में आपने सुना था जब पांचों कन्याएं नदी के तट पर पार्वती माता की पूजा करके नाच गान कर रही थी, तभी वहां पर नदी में स्नान करने के लिए एक तपस्वी आए और उस तपस्वी को देखकर पांचों कन्याएं मुग्ध हो गई। तब वे कन्याएं तपस्वी की तरफ जाने लगी। तपस्वी ने उन कन्याओं को अपनी तरफ आते हुए देखा एवं किसी अनिष्ट की आशंका से, और फिर तपस्वी स्वयं के तपोबल से अंतर्ध्यान हो गए। तपस्वी को अंतर्ध्यान हुआ देखकर सारी कन्याएं विरह अग्नि में जलने लगी और फिर वे अपने घर को चली गई। आज आप सुनेंगे उससे आगे, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने पहले की कथाएं नहीं सुनी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करें, आपको सभी कथाएं वहां पर मिल जाएगी। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको कथाएं कैसी लग रही है, क्योंकि कमेंट ही एकमात्र ऐसा जरिया है जिससे हम आपसे संपर्क कर सकते हैं। आइए आज का अध्याय शुरू करते हैं। वह पांचों कन्याएं विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करने के बाद अपने घर पर लौटी। जब कन्याएं घर पर आई तो उनकी माताओं ने कहा कि तुमने इतना विलंब क्यों किया। तब कन्याओं ने कहा कि हम लोग किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी। और फिर वे कन्याएं अपनी माता से कहने लगी कि आज हम बहुत थक गई हैं और हम जाकर विश्राम करना चाहती है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार वे कन्याएं आशय को छुपाकर विरह की मारी अपने कक्ष में गई। उन्होंने घर में आकर किसी भी प्रकार की कोई क्रीड़ा नहीं की और वो रात उन सभी के लिए एक युग के समान बीती। अगले दिन सूर्यनारायण के उदय होते ही वह कन्याएं अपने आप को जीवित मानती हुई अपनी अपनी माताओं की आज्ञा पाकर गौरी पूजन करने के लिए वह वहां नदी के तट पर जाने लगी। जिस समय वह कन्याएं वहां जलाशय पर पहुंची, उसी समय ब्राह्मण भी स्नान करने के लिए आया। उसके आने पर कन्याओं ने वाह वाह किया, जैसे कमलिनी प्रातःकाल के सूर्योदय को देखकर करती है। उस ब्रह्मचारी को देखकर उन कन्याओं के नेत्र खुल गए और वे सभी उस ब्रह्मचारी के पास चली गई। सभी कन्याओं ने आपस में एक दूसरे को हाथ को पकड़ लिया और उस ब्राह्मण को चारों तरफ से घेर लिया और उससे कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तू भाग गया था, लेकिन आज तुम नहीं भाग सकोगे, हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपास में बंधा हुआ ब्राह्मण मुस्कुरा कर बोला, तुमने जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विद्याभ्यास और ब्रह्मचारी हूँ, गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ है। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके सभी धर्मों का पालन करे, इसलिए मैं इस आश्रम में विवाह करना धर्म नहीं समझता। मैं अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, उससे पहले मैं विवाह नहीं कर सकता। उस ब्रह्मचारी की यह बात सुनकर वह कन्याएं इस प्रकार से बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वे कहने लगी कि धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है, ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई है, सो अब आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत के समाप्त होने से पहले विवाह नहीं कर सकता, मैं अपने व्रत के समाप्त होने के पश्चात ही विवाह करूंगा। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो, अनोखी औषधि, ब्रह्म बुद्धि, रसायन सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियां तथा मंत्र जिस समय भी प्राप्त हो तभी ग्रहण कर लेना चाहिए, कार्य को टालना अच्छा नहीं होता है। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण, अच्छे कुल से उत्पन्न, स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी नारियां और कहाँ पर आप तपस्वी बालक, यह बेमेल का मेल मिलाने में विधाता की जरूर कोई चतुराई है, इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इनके ऐसे वचन सुनकर उस धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय मैं विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन कन्याओं ने एक दूसरे का हाथ छोड़ा और जाकर तपस्वी को पकड़ ली। सुशील और सुरस्वरा ने उसकी भुजाओं को पकड़ा, सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रिका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर उस पंडित ने क्रोधित होकर उनको श्राप दिया। पंडित ने कहा कि तुम सभी डायन की तरह मुझसे चिपटी हो,
इस कारण तुम सभी पिशाचिनी हो जाओ। ब्रह्मचारी द्वारा ऐसा श्राप देने पर वे सभी कन्याएं उसको छोड़कर अलग अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को तुमने व्यर्थ ही श्राप दिया है, तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार। प्रेम करने वाले की बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है, इसलिए तुम भी हम लोगों के साथ पिशाच हो जाओ। तब वे आपस के क्रोध से उस सरोवर पर पिशाच पिशाचिनी होकर रह गए और बस पिशाच पिशाचिनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने अपने कर्मों को भोगने लगे। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहा। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमस ऋषि पौष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को उस सरोवर पर स्नान करने के लिए गए। जब भूख से दुखी इन पिशाचों ने ऋषि को देखा तो उनकी हत्या करने के लिए गोल घेरा बनाकर ऋषि लोमस को चारों तरफ से घेर लिया। तभी वहां पर वेदनिधि ब्राह्मण आ पधारे। उन्होंने लोमस ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और वो पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर ही नहीं सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से कहने लगा कि भाग्य से ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सारा वृतांत ऋषि को कह सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सभी श्राप मोहित होकर आपके सम्मुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा, जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजन, वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमस ऋषि के नेत्रों में जल भर आया और वेदनिधि से कहने लगे कि मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र ही स्मृति पैदा हो। मैं उनका धर्म कहता हूँ जिससे इनका आपस का ज्ञान विलीन हो जाएगा। फिर वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कहिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी ही दुखदायक होती है। फिर लोमस ऋषि ने कहा कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करे तो ही यह सब श्राप से छूट सकेंगे। मेरा यह निश्चय है कि शुभ तीर्थ में माघ स्नान करने से श्राप के फल नष्ट हो जाते हैं। 7 जन्मों के पाप तथा इस जन्म के पाप माघ माह में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से अवश्य ही नष्ट हो जाएंगे। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास में स्नान करने से होता है, इसीलिए संपूर्ण पापों का सहज ही नाश करने वाला माघ स्नान इनको अवश्य ही करना चाहिए। फिर लोमस ऋषि कहते हैं कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया। बहुत सी सुंदर गायें, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषण उसने दान में दिए। वह देवताओं का भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण, जो कि अत्यधिक मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं का त्यागा हुआ इधर उधर घूमता देवयात्रियों के साथ प्रयागराज में आया और माघ मास में उसके साथ 3 दिन तक उसने स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर को चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषण में दोनों ही समान थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या ही कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म ले लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला मनुष्य जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है। इससे ज़्यादा और मैं क्या कहूँ कि किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुमसे सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने तो उससे इनकी स्मृति पर प्रभाव होगा। पुराने समय में देवदूति नाम का एक बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था।
उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। तब वेदनिधि कहने लगा कि हे महर्षि, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया, आप यह सब विस्तार पूर्वक कथा कहिए। तब लोमश ऋषि ने कहा कि किलपग्य से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहा करती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु घूमते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत ही सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवदूति रहते थे। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव ही अपनी आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा ऋतु में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता। वह जितेंद्र और सत्यवादी था, अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन ग्रहण करता। उसका शरीर सूखकर हड्डी मात्र बच गया। इस प्रकार उसको तप करते हुए हजारों वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रसन्नता से ही वह सब कार्य करता। दधीचि ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि भगवान की पूजा की, उनकी सुंदर स्तुति तथा विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतकृत्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि हे देवदूति, मैं जानता हूँ तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा, हे देवाजी देव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन हो गया है, मुझको और कुछ नहीं चाहिए। मैं सदैव ही आपकी भक्ति में लगा रहूँ, बस मेरी यही प्रार्थना है। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा, तुम्हारे तप में कोई भी बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोत को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य संपन्न होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगा कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपया करके उस स्रोत को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि उस स्रोत को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा था, फिर उनसे मैंने सुना। हे विप्रय, यह स्रोत अध्यात्म विद्या का सार, पापों का नाश करने वाला है। वासुदेव सर्वव्यापी चक्रधारी सज्जनों के प्रिय जगत के स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला विचार करे तभी सारा जगत विष्णुमय हो जाता है, तो फिर किसकी ही स्तुति की जाए। आज के अध्याय में इतना ही। इससे आगे के अध्याय में आप जानेंगे स्तुति, साथ ही आप यह भी जानेंगे कि उस ब्रह्मचारी को पिशाच योनि से मुक्ति किस तरह से मिली। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। इसी तरह की कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। राधे।